तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपना चैनल आप कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, और मैं आपको बता देता हूं, जैसा आप एक ही मेल से दो या तीन चैनल्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं कुछ इस तरह से, मतलब आपके यूट्यूब चैनल में जब आप स्विच अकाउंट करते हो तो वहां पर आपको दिख जाता है कि कितने अकाउंट इससे एक मेल से बने हुए हैं, कितने यूट्यूब अकाउंट से बने हुए हैं। तो इनको मैं आपको डिलीट करना मैं आपको बता देता हूं, और साथ ही साथ कुछ और सेटिंग भी मैं आपको बताने वाला हूं YouTube की। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि अपना YouTube चैनल कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं चैनल को डिलीट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे इस पर और यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन दिख जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, जनरल सेटिंग, अपलोड डिफॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा परमिशंस पे। ठीक है, परमिशन पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज परमिशंस। मैनेज परमिशन पे मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिलीट अकाउंट, जैसे ही आप डिलीट अकाउंट करेंगे तो आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। जैसे ही आप उन परमिशंस को अलाउ कर देते हो तो आपका चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो ये तीन से चार स्टेप थी डिलीट करने की। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आई होंगी। और चैनल डिलीट जब भी करो जब उसकी आपको जरूरत ना हो, या आपका डेड चैनल हो गया हो, आप चाहते हो कि यार मैं चैनल डिलीट करके दूसरा चैनल बनाना चाहता हूं, तो इस तरह से ये स्टेप फॉलो करके आप अपना चैनल डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं चैनल डिलीट करना, चैनल क्यों हम डिलीट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होता कि जो YouTube की जो एल्गोरिथम है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम, वो उनका कंप्लीट नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि यार अब चैनल डिलीट कर दिया जाए। क्योंकि YouTube की जो एल्गोरिथम है एक साल के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है 365 डेज के अंदर, तो कुछ लोग नहीं कर पाते तो डिमोटिवेट होकर के वो चैनल डिलीट कर देते हैं और फिर नया चैनल क्रिएट करते हैं नए नेम से। तो उसको सोचते हैं कि अब इसको जल्दी से जल्दी मेहनत करते हैं उसके अंदर के वो अंडर 365 डेज उसमें हम यूट्यूब की ऑल एल्गोरिथम हम कंप्लीट कर दें, तो चैनल डिलीट करने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है। तो मैं तो यही कहूँगा आप चैनल डिलीट ना करो। अगर जो आप सोचते हो कि भाई 365 डेज में ये हमें एल्गोरिथम कंप्लीट करनी, ऐसा कुछ नहीं है, वो लास्ट 365 डेज ही काउंट करेगा। अगर जो आपका चैनल एक साल में मोनेटाइज नहीं हुआ, दो साल में मोनेटाइज नहीं हुआ, तो जैसा आप मेहनत कर रहे हैं तो लास्ट के जो 365 डेज होंगे वो उसमें वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स देखा कि आपके लास्ट 365 डेज में ही आए हैं क्या, चाहे चैनल को दो साल हो जाए या तीन साल हो जाए। तो कुछ लोगों को नहीं पता इस बात का, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप चैनल डिलीट मत करिए और अपने चैनल को उसी को कंटिन्यू रखिए। वैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, अगर जो आप डिलीट करना चाहोगे परमानेंट अपना चैनल तो आप डिलीट कर सकते हो कुछ इस तरह की स्टेप अपना करके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।